हाय एवरीवन दिस इज़ वुरानिका आज हम बात करेंगे नटालिया सिंधियेवा कौन है और रशिया ने उनका जो चैनल है उस पर शिकंजा क्यों कसा इनका एक टीवी चैनल है डॉजिट करके इसके बारे में हम बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अगर आप स्टडी आई का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वीरो थ्री थ्री ये वैलिड है ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक होली सेल के लिए uh, इस पर आपको थर्टी थ्री परसेंट ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज़ पे आप ये स्मार्ट कोर्सेज़ पे अप्लाई कर सकते हैं इस कोड को यूज़ कर सकते हैं बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं बाकी इन्फॉमेशन के लिए uh, खैर इस चीज़ को ये जो न्यूज़ है ऑलमोस्ट वन मंथ हो गया इस चीज़ को बट आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस न्यूज़ अब ये लास्ट वीक की जगह आप इसको लास्ट मंथ ही मान लीजिए जो मेम्बर्स हैं डॉज इट अब देखिए जो प्रोनासीिएशन है हमारे इंग्लिश प्रोनासीइशन एंड रशियन यूक्रेनियन प्रोनासीइशन थोड़ी अलग होती है किस तरह से वो प्रोनाउंस करते हैं बट मोस्ट प्रॉब्ली लाइक दिस जो मेम्बर्स हैं इस चैनल के या फिर टी वी रेन इसको कहा जाता है ये एक छोटा सा इंडिपेंडेंट टेलीविजन चैनल था रशिया में और इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया लाइव आके पूरी टीम जो है वो मूव आउट कर गई साइन uh, ऑफ़ करना इसको बोलेंगे और एक मैसेज था नो टू वॉर कि वॉर के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और ये रशिया का चैनल है एक छोटा सा अब डॉजट जो, जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जितने भी आपके टेलीविज़न चैनल्स हैं रशिया में अगर आप देखेंगे तो वो स्टेट कंट्रोल में है तो आपको मालूम ही है जब स्टेट कंट्रोल करती है मीडिया को टेलीविज़न चैनल्स को कंट्रोल करती है तो आपको गवर्नमेंट की ही सुननी पड़ती है तो जो क्रेमिलन के जिस तरह से ऑर्डर्स होते थे उसी तरीके से वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं टेलीविज़न चैनल्स हैं वो चलते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो है रशिया में दिखाते थे गट्स रखते थे उसको चलाते थे रशियन न्यूज़ चैनल साइंस आउट सेइंग नो टू वॉर प्लेस सॉन लेक एज स्टाफ वॉक्स आउट तो आप इसके बारे में प्रिंट मीडिया में भी जगह जगह पढ़ सकते हैं अब देखिए 2015 में गार्डियन ये भी एक प्रिंट मीडिया है इन्होंने रिपोर्ट किया जब डॉजट का एक रॉक कंसर्ट हुआ था फिफ्थ बर्थडे वो अपने इस चैनल का सेलिब्रेट करने वाले थे मॉस्को में और वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो बहुत उनमें यू नो बहुत अच्छा ओवेशन उन्होंने लाउडेस्ट ओवेशन इस चैनल के वर्कर्स को दिया रॉक ग्रुप को दिया किस लिए क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस चैनल के उनको मिलते थे तो लोग उनको लाइक भी करते थे कि बिना किसी के इन्फ्लुएंस के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं लेकिन ये जो डॉजड है ये सिर्फ सच सच दिखाता था अपने चैनल पे अगर हम माने यहाँ पे सच दिखाने से मतलब है क्योंकि जब स्टेट किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगी तो वो अपने अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगी अब सिर्फ यहाँ पे स्पीकिंग ट्रूथ की बात ही नहीं है अगर आप देखेंगे इस चैनल पे लाइफस्टाइल कल्चरल और एक इंटेलेक्चुअल चैनल वहां पे ये माना जाता था अब डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे सो दिस इज़ अ बीप वर्ड एंड दिस जॉब ये एक पर्टिकुलर शो है ओके डैश दिस जॉब शोज इन टू में एक डॉक्यूमेंट्री थी एलेक्ज़ेंडर विनोकुरोव और नटालिया सिंधियेवा ये दो लोग हैं जिन्होंने ये चैनल शुरू किया ये एक खुशहाल नए लोग थे जिनकी शादी हुई थी न्यूली मैरिड कपल थे और रिच भी काफ़ी थे वेल्दी कपल थे और इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट टेलीविज़न चैनल जो है वो रशिया में बनाएंगे और इस चैनल में एटीट्यूड ग्लैमर यूथफुलनेस सब कुछ रहेगा तो ऐसा सोच के ये चैनल जो है एक कपल ने शुरू किया विनो कुरोव जो हैं ये हेड हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के उस टाइम पे हेड किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के हेड थे देखिए अगेन द नेम प्रोनाशिएशन रशियंस का थोड़ा अलग भी रहता है ये आ, अगर आप देखेंगे इनके पास अच्छा बड़ा मैं मैंशन था और जैसे मैंने बताया कपल काफ़ी वेल्दी भी था सिंधयेवा जो है ये एक प्रोमिनंट सोशलाइट थी डांसर थी और जैसे पॉर्शे एज आई टोल यू देव अ वेरी वेल्दी पॉर्शे चलाती थी अपनी फैशन सेंस को फ्लॉन्ट करती थी अब शी वॉज़ लुकिंग फॉर फेम इनको फेम चाहिए था रेपूटेशन चाहिए था और अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करने की चाह थी इनको जो इन्होंने किसके साथ किया ये नया चैनल खोल के इन्होंने किया तो किस तरह से इन्होंने ये टी वी शुरू किया अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री इस चैनल को देखेंगे एक ओपन माइंडेड टीम इन्होंने इकट्ठी की और एक ऑप्टिमिस्टिक चैनल खोलने की तरफ ये आगे बढ़े जिस तरह से इनके एंकल्स बोलते हैं और ये वो टाइम था जब दमित्री मद्वेदेव प्रेसिडेंट थे रशिया के और पुतिन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे ओके okay, ये उस वक्त की बात है जब इन्होंने अपना चैनल शुरू किया लेकिन फिर आपने 2012 में देखा रशिया के पॉलिटिकल सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं मैदे मेद्व, देव जो हैं उनको रिमूव किया गया और फिर पुतिन फिर से प्रेसिडेंट जो हैं वो बन गए और काफ़ी चेंजेस जो हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आई अब जैसा इन्होंने सोचा था सब चीज़ें वैसे प्लान के साथ नहीं चली अब वहाँ पे काफ़ी सारे आप देखेंगे प्रोटेस्ट और चीज़ें सामने निकल के आई गवर्नमेंट के बीच में ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं प्रेस फ्रीडम को रोका गया प्रेस की फ्रीडम को कर्प डाउन किया गया प्रोटेस्ट आपने मार्जनाइज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के द्वारा प्रो, प्रोटेस्ट देखे जैसे कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हो गई या यूक्रेन पे जो एक वॉर थी उसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा रहा था तो उसको भी रोका जा रहा था तो इस तरह की चीज़ें सामने निकल के आई अगर हम सिंध ये वाह उनका एक ब्लान आई रियलाइज जस्ट हाउ मच इनजस्टिस देयर वाज अराउंड अस देर आई सिंपली डिड नॉट सी बिफोर तो उन्होंने ये बयान दिया कि कितना इनजस्टिस हमारी कंट्री में हो रहा है जिसको हम पहले नहीं देख पा रहे थे तो अब इस चैनल का प्रोपोगंडा क्या था ये चैनल कहता है कि हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं हम कोई प्रोपोगडा नहीं चलाते किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करते हमारा कवरेज उस तरीके से होता है हम न्यूज़ पे फोकस करते हैं डिस्कशंस पे फोकस करते हैं कल्चर पॉलिटिक्स बिजनेस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ पे और मोस्टली ये लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाते थे चैनल का मोटो भी यही था टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद दोज हुर इम्पॉर्टेंट टू अस तो लोगों को भी बीच में लाते थे उनसे भी बातचीत करते थे अब जब प्रोटेस्ट रशिया में बहुत ज़्यादा होने लगे रिग्ड इलेक्शंस को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट अगर आप देखेंगे रशिया में हुए थे तो इस चैनल के जो रिपोर्टर्स थे वो गलियों में स्ट्रीट्स में घूम रहे थे और इस तरह के इवेंट्स दिखा रहे थे जो बाकी के मीडिया चैनल्स बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे इग्नोर कर रहे थे फिर इस चैनल के जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको अरेस्ट किया गया वो जर्नलिस्ट फिर सेलफोन से प्रिजन वैन में सेलफोन से भी रिपोर्ट कर रहे थे अब जो वॉर्स अलग अलग जगह पे अगर रशिया ने शुरू की वहाँ के जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ दिखाना इस चैनल ने शुरू किया जो रियलिटीज़ हैं एल कम्युनिटी की, वो दिखाने शुरू की और क्योंकि एल कम्युनिटी को ऑफिशियली सेकेंड क्लास सिटीजनस रशिया में कंसिडर किया जाता है तो उन्होंने इन सब चीज़ों को इन सब मुद्दों को भी अपने चैनल पर दिखाया तो दैट इज़ वाई ऑब्वियसली किस गवर्नमेंट को स्टेट को अच्छा लगेगा कि 24 घंटे उसके खिलाफ कोई चैनल बोल रहा है तो इस चैनल को फोर्स किया गया कि इसके पहले तो इसके क्वार्टर्स जो हैं वो बंद कर दिए उस पर ताले लगवा दिए गए फिर ये लोग अपने जो फाउंडर हैं उसके घर से काम करने लग गए फिर ये चैनल एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे जिन लोगों के साथ कुछ भी बुरा हुआ था उनको हायर किया जा रहा था वो लोग रिपोर्ट कर रहे थे माइनॉरिटीज़ से या अपोजिशनल रिपोर्टर्स और एक इस तरह का एक ये यू uh, नो you know, एक सिस्टम uh, बन गया यहाँ पे इस चैनल का जहाँ पॉलिटिकल और सेक्सुअल फ्रीडम था उन लोगों के पास जो भी वो बोलना चाहते थे वो बोल रहे थे तो गवर्नमेंट इसको बिल्कुल एज अ थ्रेट जो है रशिया की गवर्नमेंट इस चैनल को एक थ्रेट के तौर पे ही देख रही थी अब इस पूरी चीज़ पर अगर आप देखेंगे तो बिगेस्ट अवे क्या है कि हमको चेंज के लिए अडाप्टिव होना चाहिए वी कैन ये समझना चाहिए बहुत कम चीज़ों के साथ हम रह सकते हैं हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें जीने के लिए नहीं चाहिए तो ये एक एक्सपेडिशन था इनका इस चैनल के थ्रू इन्होंने इसको अचीव किया लेकिन 2020 में सिंध येवा जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि ऑलमोस्ट वो अपना सारा जितना भी पैसा है वो उनका ख़त्म हो चुका है अगस्त ट्वेंटी में जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया ने अनाउंस किया कि ये जो टी वी है टी वी जो है ये एक फ़ॉरन एजेंट है और जान के ये रशिया को बदनाम करना चाहते हैं उस टाइम पे सिंधियावा ने फिर से हिटबैक किया और कहा कि हम लोग अपनी फंडिंग को लेके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है कोई भी फॉरेन कंट्री हमको फ़ंड नहीं कर रही और हम एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैं जो लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते हैं तो इस तरह की झड़प जो है रशियन गवर्नमेंट और इस चैनल के बीच में चलती रही फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम फिर धीरे धीरे आज आप अगर देखेंगे रशिया में ये एक क्राइम है जिस तरह का मिलिट्री ऑपरेशन रशिया कह रहा है कि हमने यूक्रेन पे किया है इसको क्रिटिसाइज करना इसके खिलाफ बोलना आज रशिया में ये एक गुनाह है ये एक क्राइम है मीडिया आउटलेट्स जो इस तरह की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं इन्वेजन वॉर या यूक्रेनियन साइड ऑफ स्टोरी जो है अगर वो दिखा रहे हैं तो स्टेट मशीनरी जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो ले रही है बिल्कुल भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे बोलें रशिया के खिलाफ बोलें और डॉजट टी जो है उसको पहले भी थ्रेट्स तो थी क्लोजर की और उन्होंने खुद ही अपना ये चैनल बंद किया और लास्ट में जब उन्होंने लास्ट अपना चैनल बंद किया उसके बाद स्वान लेक वहाँ का एक बैंड है और ये काइंड kind ऑफ of एक सिंबल माना जाता है जब भी जियो पोलिटिकल या पोलिटिकल रिलेशन में रशिया के कुछ चेंजेस आते हैं तो दिखाता है कि एक बिग चेंज वहाँ पे आई है तो स्टाफ इसका वॉकआउट कर गया यहाँ से और फेमस ये एक बैले डांसर्स जो होते हैं उनका ये बैंड है ये उन्होंने लास्ट में दिखाया साइन ऑफ करने से पहले तो ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक एनालिसिस या क्रिटिकली एनालाइज करने का मीडिया के फ्रीडम पे अगर सवाल आए तो इस तरह की केस स्टडीज़ जो हैं अलग अलग देशों की क्योंकि यूजुअली इंडिया की तो हम कोर्ट करते ही हैं इस तरह की केस स्टडीज़ जो हैं वो पॉइंट आउट की जा सकती हैं कि किस देश में कैसे हुआ इसी तरह से आप देखेंगे र्यूटर्स के साथ की भी कहानी है राइट right? और इंडिया में भी प्रेस फ्रीडम को लेकर बहुत सारे मुद्दे सामने आते रहते हैं काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी एंड दिस कुड बी एन अनदर केस स्टोरी डॉजिट चैनल के बारे में कि रशिया ने किस तरह से इसको कर्ब डाउन किया हो सकता है बाद में जब सब ठीक हो जाएगा यूक्रेन किस तरह से आगे चलेगा बट लॉन्ग एक लंबे समय से रशियन गवर्नमेंट के बीच में और इस चैनल के बीच में जो फ्रिक्शंस थी वो रही हैं अब देखिए क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ रशियन रेवल्यूशन लैनन एडोल्फ हिटलर मैक्समोलर जॉर्ज वॉशिंगटन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच